वक्त था जब इंसानों और शैतानों की दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे, और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। फिर एक दिन तीसरी दुनिया के वासियों ने इनके बीच का रास्ता बंद कर दिया ताकि ये दोनों लोग अलग हो जाएं और शांति बनी रहे। यूसुके उरामिशी वापस जिंदा होने के लिए स्पिरिट डिटेक्टिव बन गया। ये इसे क्या हो रहा है? उसे इंसानी दुनिया में तबाही मचाने वाले योकाई को रोकने का काम दिया गया है। मुझे स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना सिखाओ। पर वो स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं जानता। स्पिरिट वर्ल्ड की जिन तीन खतरनाक हथियारों पर नजर थी वो तीन योकाई चोरों द्वारा चुरा लिए गए हैं। सवाल यह है, क्या यूसुके इन खतरनाक हथियारों को हासिल कर पाएगा? हमारे स्पिरिट डिटेक्टिव यूसुके ने गोकी से भूखे गोले को जीत लिया। फिर कुरुमा की इच्छा पता चलने के बाद, मैं तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देता हूँ। रुक जाओ। उसने अपनी आधी जिंदगी देकर मिरर ऑफ डार्कनेस को भी हासिल कर लिया। अब बचा है तो सिर्फ जादुई खंजर जो फिलहाल हीए के पास है। गेंकाई से ट्रेनिंग लेकर कुआबारा स्पिरिट स्वॉर्ड चलाना सीख गया। स्पिरिट वेव और यूसुके को सौंप दिया गया। बहुत उम्मीद के साथ तुम्हें जिम्मेदारियां सौंप रही हूं। फिर अगले ही पल एल्डर तोगुरो केको को किडनैप करके ले गया। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हीए की बहन युकिना भी केको के साथ कैद है, वो उन्हें बचाने कुबिकुकुरी आइलैंड निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ गेंकाई, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जिन्होंने यंगर तोगुरो के साथ कभी ट्रेनिंग ली थी, उसी के हाथों मारी जाती है। केको और युकिना को बचाने यूसुके और उसके तीन साथी कुबिकुकुरी पहुंचते हैं। गेंकाई की मौत से अनजान यूसुके यंगर तोगुरो का सामना करता है। देखिए तुमने क्या सीखा है, बुढ़िया ने शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करो। क्या कहा तूने? और दूसरी ओर सिंकहोल के अंदर हुए छेद से माकाइचो इस दुनिया में आ रहे हैं। साकियो इंसानों और शैतानों की दुनिया को एक करके यहाँ नए योकाई को न्योता दे रहा है। क्या साकियो का यह सपना साकार हो पाएगा?